जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका राममय नेपाल की राजधानी काठमांडू से। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र, आप देख रहे हैं हिमालिनी टीवी यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज पूरा विश्व राममय बन गया है, जहां जाइए हर जगह चर्चा राम की है कि राम लाला अपने घर में पधारने वाले हैं। बस दो दिन का समय बाकी है, सोमवार 22 जनवरी को विश्व के कोना कोना से राम लाला के विराजमान होने का उत्सुकता से लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे एक दक्षिण अफ्रीका के मित्र हैं श्री प्रवीण केंद्रेकर। ये डॉक्टर प्रवीण केंद्रेकर कुछ दिन पहले हमसे फोन करके विश्व स्तरीय जुड़ने का आह्वान किया था और मैंने बता भी दिया था उनको। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से एक कोर ग्रुप बनाया है जो कि अब तक 108 देश उसमें शामिल हो गए हैं, यानी कि 108 देशों का राम भक्त सभी उससे जुड़ गए हैं। और इसका मुख्य काम यही है कि जिस दिन हमारे रामलाला विराजमान होंगे उस दिन हम लोग जहां भी रहें नजदीक के मंदिर में दीपावली मनाएंगे, अपने घर में दीपावली मनाएंगे, और जब रामलाला विराजमान होंगे प्राण प्रतिष्ठा होगा तो उस समय हम टीवी से साक्षात दर्शन करेंगे और करवाएंगे। यही विश्व भर में उनका अभियान चल रहा है। अब आई हमारे नेपाल की बात, तो नेपाल में भी देखिए पूरब से पश्चिम तक लोग राम राम कर रहे हैं, राममय हो रहा है। यहां तक कि भारत के विद्वानों ने, भारत के लोगों ने उस दिन हमारे पशुपति नाथ का जगह चयन किया है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि रांची से डॉक्टर विवेकानंद झा, जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं भारत में, डॉक्टर विवेकानंद झा ने सनातनी रमा पर एक पुस्तक उन्होंने लिखी है और उस पुस्तक का विमोचन का स्थल उन्होंने पशुपति नाथ चयन किया है। पिलिग्रिमेज से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है और उसका विमोचन ठीक उसी दिन 22 जनवरी को 12:30 में काठमांडू में होने जा रहा है। तो भारत से लोग यहाँ पधार रहे हैं। तो नेपाल की जब मैं बात करता हूं तो नेपाल के पूरब से पश्चिम लगभग 3 करोड़ वाली आबादी का देश यह, और हर लोगों का ध्यान अभी अयोध्या में केंद्रित है। मैं इसी पर आपको कुछ जानकारी दे रहा हूं कि आखिर अयोध्या पर क्यों टिकी है नेपालियों का ध्यान, तो उसका मैं एक बता रहा हूं आपको कि कुछ दिन पहले जब वहाँ निर्माण कार्य शुरू किया गया तो उसमें नेपाल के मुस्तांग के दामोदर कुंड से जल और शालिग्राम लेकर यहाँ के विद्वान हैं और वो संहिता शास्त्री कहे जाते हैं अर्जुन प्रसाद बास्तोला, उन्होंने ले जाकर दामोदर कुंड का जल और शालिग्राम वहां पर हस्तांतरण किया था अयोध्या में। तो देखिए जो यह कितनी बड़ी बात है, जो मुस्तांग का जल वहां निर्माण के दिन पहुंचा था। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि आप लोगों को जानकारी भी होगी, काली गंडकी से दो शिला जो एक 24 टन का और दूसरा 14 टन का शिला बड़ी ही धूमधाम के साथ नेपाल से अयोध्या ले जाया गया और अयोध्या में जाकर जानकी मंदिर के महंत श्री राम तपेश्वर दास ने इसे
वह अयोध्या राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय जी को हस्तांतरण किया। तो वह शिला जो यहाँ से गया था उसके साथ एक काफिला यहाँ से पहुंची थी अयोध्या तक। तो लोगों का ध्यान और लोगों का की जिज्ञासा है कि आखिर उस शिला का क्या हुआ अयोध्या में, जो 24 टन और 14 टन का विशाल ये शिला लेकर लोग पहुंचे थे। जी हाँ, तो मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ कि वह शिला राम मूर्ति रामलला की मूर्ति निर्माण के लिए ले जाया गया था, लेकिन उस शिला को बाहर एक जगह रखा गया है, जो मैं बता दूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर जी के अनुसार वह शिला को सम्मानित रूप से रखा गया है। और वह शिला अयोध्या के राम सेवक पुरम में बहुत ही पूजनीय स्थल पर रखा गया है और उसको डेली पूजा अर्चना की जा रही है। और उसको जैसा कि अंबेडकर जी ने कहा है कि भविष्य में भी उस शिला को वैसे ही पूजा अर्चना करके रखा जाएगा वहां पर। तो आखिर यह शिला का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? तो अभी आकर एक पता चला है कि दोनों शिला में एक शिला जो अब चाहे जिसकी असावधानी हो, चाहे वह शिला का वहाँ पर वो हमारे नज़र से नहीं नज़र में नहीं आ पाया, उसमें एक लाइनिंग मिला एक शिला में, जिसको धरखो कहते हैं, एक रेखा जैसा। अब वो किस रूप में है, इसलिए ये तो श्री राम का ही आदेश हुआ कि विश्व के कई जगह से मूर्ति बनाने के लिए सामग्री वहाँ लाया गया है। तो इसलिए वहाँ पर आयोजकों ने उसको एक सम्मानित जगह पर रख दिया, जिसको कि बजाबते पूजा अर्चना किया जाएगा, और इसीलिए उस शिला को वहाँ से अलग रखा गया है। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात क्या है कि उस शिला के साथ साथ हमने 2 शालिग्राम वहाँ पर हस्तांतरण किया था, जो हमारे नेपाल के मित्रों ने 2 शालिग्राम भी दिया था। अब आयोजकों ने उस शालिग्राम को ले लिया है और वह शालिग्राम को हमारे रामलला के गर्भगृह में रखा गया है और वह गर्भगृह में रखा जाएगा। तो इस तरह लोगों की जिज्ञासा है कि वो शिला क्या हुआ और नेपाल क्यों जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, कल ही जो खबर आई है वहां से, उसमें हमारे नेपाली बाबा ने अयोध्या में 108 कुंड बनवाया है और वो सभी में पंडित गए हुए हैं जो कि वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। और आपको जैसा कि जानकारी होगा कि मुख्य पुजारी के रूप में वहाँ चयन हुआ है हमारे नेपाल से ही। आपको बता दें, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा जो होगा उसमें हमारे नेपाल से गए हुए हैं और पुजारी का नाम है श्री दुर्गा प्रसाद गौतम। यह बहुत बड़ी बात है। तो बताइए, जिस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र से हटा दिया गया है, छीन लिया गया है, और देखिए जो उस राष्ट्र से कितने लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और उन लोगों को क्या वहाँ पर कितनी जिज्ञासा है उनमें और कितना राममय वातावरण बना के हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अब बताइए, जब पूरा नेपाल और पूरा विश्व राममय बन गया है, यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि कल तक जो लोग श्री राम को गाली दे रहे थे और श्री राम के विरोध में प्रचार कर रहे थे, मैं और किसी का नहीं, एक 1992 का तस्वीर आपके समक्ष रख रहा हूँ जो इंडिया टुडे ग्रुप का है। देखिए, इंडिया टुडे ग्रुप ने उस समय बाबरी मस्जिद, 1992 का है, बाबरी मस्जिद का एक
तस्वीर रखकर, और वो इंडिया टुडे जब प्रकाशित किया तो उसका इंग्लिश संस्करण और हिंदी संस्करण भी, तो इंग्लिश संस्करण में लिखा हुआ है नेशंस सेव, ये उसका बाबरी मस्जिद का फोटो देकर रखा गया है 1992 में, और दूसरा लिखा गया है कलंकित हुआ सारा देश, यानी कि बाबरी मस्जिद के समय। और उसी इंडिया टुडे का अगर आप नीचे में देख रहे हैं तो देखिए 2024 में रथ यात्रा निकाला गया है जिस पर राम आएंगे लिखा हुआ है। तो इस तरह लोग राममय बन रहे हैं, और जब राममय बन रहे हैं तो अब नेपाल की मैं बात करता हूं तो हमारी पत्रिका हिमालिनी पत्रिका जो पिछले 26 वर्ष से, यानी कि यह अंक जो जनवरी का अंक है वह हमारा 27वां वर्ष में प्रवेश कर रही है यह पत्रिका। 27 वर्ष से हम राम का गुणगान करते आ रहे हैं, हम हिंदी का गुणगान करते आ रहे हैं, तो आखिर हम क्यों पीछे पड़े? हमारा 27वां वर्ष में जो जनवरी का अंक है उस अंक में हम बजाबते श्री राम मैं होकर राम पर हमारा संपादकीय लिखा गया है। तो मित्रों, मैं अभी आपको जो राम पर संपादकीय है और विश्व में राममय बनता विश्व जो संपादकीय लिखा गया है, मैं उस संपादकीय पढ़कर उस पर कुछ विश्लेषण करता हूं। यह जैसा कि आपको मालूम है कि यह हिमालिनी की संपादक डॉक्टर श्वेता दीप्ति हैं, और डॉक्टर श्वेता दीप्ति द्वारा यह संपादकीय लिखा गया है राम मैं बनता विश्व। जी, राम मैं बनता विश्व। कहूं तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण का 500 सालों के संघर्ष और हजारों लोगों का बलिदान के बाद यह सपना पूरा होने जा रहा है। संपूर्ण विश्व के हिंदुओं की नजर आज अयोध्या पर टिकी हुई है, जहां लोगों में उत्साह अपनी चरम सीमा पर है, वहीं भारत का विपक्ष इस बात पर नाराज है कि राम मंदिर के मसले को मोदी मय बना दिया गया है। जहां तक कि विपक्ष कांग्रेस ने तो राम मंदिर उद्घाटन का आमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। इस बात पर हमारी संपादकीय में है कि यह ठीक वैसा ही है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। देखिए, इनका आरोप है कि मोदी मय बन गया है, तो आपको मैं बता दूं कि मोदी राम भक्त है। आज ही नहीं, मोदी जी शुरू से ही राम मंदिर बनाने के पक्ष में है। जब वो गुजरात में थे तो गुजरात से ही उनका यह सपना था, और हम राम मैं अगर बन गए हैं, मोदी मैं बन गए हैं, तो ये हम जनता ने नहीं बनाया है, यह तो स्वयं श्री राम ने बनाया है कि वो राम भक्त को चुने हैं जो कि वहां पर इनका उद्घाटन करेंगे। कहा गया है कि हम भगवान को चुने, यह साधारण बात है, लेकिन भगवान हमको चुने तो यह असाधारण बात है। तो मोदी एक असाधारण व्यक्तित्व है, और इस व्यक्तित्व को पर नाराजगी तो यह खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे के बराबर ही है। और उस मोदी के बारे में केवल इतना ही नहीं, मैं बता दूं कि जिस व्यक्ति ने सारे देश का माहौल राममय कर दिया है वह असली राम भक्त है। जिस व्यक्ति ने 40 श्रम
सेवकों को टनल में फंसने के बाद निकलने में दिन रात एक कर दिया, वह असली राम भक्त है। जिस व्यक्ति ने लाल चौक पर देश का झंडा फहराया, वह असली राम भक्त है। जिन देशों में लड़ाई हो रही थी, यूक्रेन और इजराइल में, इन देशों से भी मक्खन की तरह अपने देशवासियों को निकाल कर लाया, वह असली राम भक्त है। जिस व्यक्ति के एक लक्षद्वीप दौरे के कारण मालदीव को अच्छी तरह अकल आ गई, वह असली राम भक्त है। जिस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन देश को ऊंचाइयों पर ले जाने में लगा दिया, वह असली राम भक्त है। आपको बना दे इन राम भक्त को तो अब जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उसके अंग रक्षक भी सनातनी हो गए हैं। तो इसलिए हम जब बात करते हैं मोदी के बारे में, तो उस पर कोई आंच नहीं आने वाली है। बात उन दिनों की है जब भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी 92 में 14 जनवरी को अयोध्या पहुंचे थे। उस समय उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्र के साथ अयोध्या में कसम ली थी कि वे राम मंदिर का निर्माण होगा तभी वहां लौटेंगे। आज देखिए यह कितनी खुशी का अवसर है जब उन्हीं के द्वारा उनका होने जा रहा है, जो विराजमान होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब बीजेपी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा पर थे। जब नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने जय श्री राम के नारों के बीच संकल्प लिया था कि मंदिर निर्माण का सही समाधान निकालेंगे, और कसम खाई कि वह राम मंदिर निर्माण के बाद ही यहां लौटेंगे। और आज यह सुअवसर उन्हें मिला है जब वो 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में विधिवत शामिल होंगे। राम मंदिर की आधारशिला उन्होंने कमल के फूल से रखी थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1992 में ही एकता यात्रा के श्रीनगर नगर में समापन पर धारा 370 को हटाने का संकल्प लिया था, जिसे उन्होंने पूरा करके दिखाया है। मैं आपको एक फोटो यहाँ पर दिखा रहा हूँ जिसमें श्री मुरली मनोहर जोशी के साथ दिख रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। आप पहचान सकते हैं, देखिए वो अयोध्या में किस तरह संकल्प लिए थे। आपके लिए यह फोटो है, फोटो थोड़ा सा पुराना है जिसके लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप देख सकते हैं। मोदी भाजपा के उन नेताओं में शामिल है जिनका सीधा संघर्ष राम मंदिर के निर्माण से जुड़ा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या यात्रा के प्रभारी का काम भी पीएम मोदी ने ही संभाला था। ऐसे में यह समय उनके सपनों के सच होने का समय है। अब हमारे लिए क्या है कि श्री राम नेपाल के जवाई हैं, इसलिए यह समय सिर्फ भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि नेपाल के लिए भी भावनाओं से भरा हुआ महत्वपूर्ण समय है। दिवाली सिर्फ भारत में ही नहीं नेपाल में भी मनाई जाएगी। मिथिला की परंपरा के अनुसार जनकपुर धाम और सीतामढ़ी से माँ जानकी के ससुराल भार पहुंचाया गया है, क्योंकि जनकपुर धाम और पुनौरा धाम दोनों ही माँ जानकी की स्थली है। यह सौभाग्यपूर्ण दिन सदियों के संघर्षों के बाद आया है और हम उसके साक्षी बन रहे हैं, यह हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। राम मंदिर का महत्व नेपाल के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी अहम माना जा रहा है। नेपाल की अर्थव्यवस्था का आधार पर्यटन है, इसलिए यह माना जा रहा है कि भारत में राम मंदिर के निर्माण के बाद जनकपुर में श्रद्धालुओं की आमद बढ़ेगी और इससे जनकपुर ज्यादा समृद्ध होगा। इसीलिए नेपाल सरकार और मधेश सरकार को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। रामायण गलियारे की परियोजना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है अभी।
मित्रों यह रामायण की हमारे संपादकीय से है और अब जय श्री राम घोष के साथ इसीलिए 1100 भार लेकर अयोध्या पहुंचे थे। अब इस अयोध्या पहुंचने वाले पूरा 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम जारी है, लेकिन यह जो भार गया था इस भार में कई लोग नेपाल से, 251 लोगों को बताया जा रहा है कि वहां अयोध्या में पहुंचे और बहुत बड़ी संख्या में सामग्री वहां लेकर जाया गया अयोध्या में, और अयोध्या को सीतामय बना दिया गया है अभी। इसलिए आपको मैं यह केवल इसकी जानकारी दे रहा हूं कि 1100 भार अयोध्या के लिए नेता तथा पूर्व उप प्रधानमंत्री बिमलेन निधि, जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार, जानकी मंदिर के महंत राम तपस्वर दास वैष्णव, उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास वैष्णव, भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगंज के वाणिज्य दूत श्री शशि भूषण कुमार सहित कई गणमान लोगों ने भार को विदा किया था जनकपुर से। अब आपको मैं बता दूं कि इसमें हमारे इस बीच में जनकपुर जानकी मंदिर में के दो महंत, एक उत्तराधिकारी महंत एक वर्तमान महंत में भी कुछ मनमुटाव की बात आप लोगों के समक्ष आ गई थी। इसमें जो राम रोशन दास जी इसका नेतृत्व कर रहे थे, इस पर राम तपेश्वर दास जी ने आपत्ति जनाई थी, लेकिन यह सब मिट गया है। जैसे ही हमारे अयोध्या से श्री राम का निमंत्रण राम तपेश्वर दास जी के हाथ में पड़ा कि सब मनमुटाव हट गया। अब वो राम तपेश्वर दास जी अयोध्या में जाएंगे और बहुत VVIP लॉन्च में वहाँ बैठेंगे। उन्होंने यहाँ पर 9 दिन का नवाह शुरू कर दिया है जो कि 22 तक चलेगा, और उस दिन यहाँ पर लाखों दीप प्रज्वलित किए जाएंगे जानकी मंदिर में, जो कि बताया गया है, और लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कल ही जब जनकपुर में उसका अक्षत बांटा गया तो घर घर से लोग जो अक्षत लेकर गए थे बांटने, उनको आरती उतार कर स्वागत किए हैं। इसी तरह हम बता दें आपको, जो वीरगंज में वहाँ के नगर पालिका ने एक सूचना प्रकाशित कर दिया है कि उस दिन कोई भी व्यक्ति मार काट जो है बलि वगैरह नहीं चढ़ाएगा वीरगंज में, चूंकि उस दिन दीपावली मनाने का दिन है। इसी तरह का हमारे कोसी प्रदेश संवाददाता कह रहे हैं कि पूरा विराट नगर राममय बना हुआ है और उस दिन दीपावली मनाने का निर्णय किया गया है। नेपालगंज से भी यही खबर है और पूरे नेपाल राममय बन गया है। मित्रों आपने यह सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, जय श्री राम।